नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी और 2 से 3 क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोबेल अवार्ड के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल किसको किसको ये अवार्ड दिया गया है। पहले बात करेंगे कैसे स्टार्ट हुआ था ये आपका ये अवार्ड। तो ये पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 की बात है जब इनकी मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। इनकी इच्छा थी कि इसे पैसे जो ये पैसे हैं इसके ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। तो स्विडिस बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में जो योगदान देते हैं मनुष्य या फिर जो भी पर्सन योगदान देते हैं और सर्वश्रेष्ठ आपका योगदान दिए जाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब एग्जैक्टली नोबेल फाउंडेशन क्या है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है 29 जून 1900 को हुई थी 1900 को, और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए, 1901 में। और पहला क्वेश्चन ये था कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1896 में, दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका जो उद्देश्य था नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना था। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है जिसका मुखिया जो होता है स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य जो 4 सदस्य होते हैं वो पुरस्कार वितरक संस्थान के जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा तय किए जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि सम्मान जो है प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पुरस्कारों के लिए जो बनी समिति होती है और जो चयनकर्ता होते हैं हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का जो वितरण है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मतलब 10 दिसंबर को किया जाता है। इसी वजह से पुरस्कारों की घोषणा तो पहले ही हो जाती है अक्टूबर में, देखिए आज 8 अक्टूबर को ही आपका ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पुण्यतिथि पर इसका वितरण किया जाएगा मतलब 10 दिसंबर 2018 को इसका वितरण किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नोबेल कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल थे कौन एग्जैक्टली। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका जो जन्म हुआ था 1833 में हुआ था और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। करीब 9 साल की एज रही होगी जब वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल करीब 355 के आसपास आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्हें 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। अपनी ज़िंदगी में नोबेल ने शादी नहीं की। 10 दिसंबर 1896 की बात है जब नोबेल का दिल का दौरा पड़ने से इटली में निधन हो गया। तो 10 दिसंबर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत कब हुई। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं था, लेकिन 1968 मतलब 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं नंबर की वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार को शुरू किया। अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल है 1969 मतलब 1969 में नॉर्वे के रैगनर एंथिन किटील फ्रिश और नीदरलैंड के यान टिरबेर गेन को दिया गया। खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली बार जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है वो कब दिया गया था, तो वो सबसे ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग 1901 से हुई थी लेकिन इकोनॉमिक्स के नोबेल की जो शुरुआत हुई वो बाद से हुई। अब इसके कुछ और तथ्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला जो नोबेल शांति पुरस्कार था 1901 में रेडक्रॉस के संस्थापक हैरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया। शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये आपको नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं और ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र में
एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इनामी राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर डिपेंड करती है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि जो है दोनों समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार जो डेड मनुष्य हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैम क्लोड को 1961 में दिया गया था। लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले जो महात्मा गांधी साहब थे इनको कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हाँ, उनको नॉमिनेट किया था, करीब 5 बार इनको नॉमिनेशन मिला है शांति के अवार्ड में, लेकिन इनको कभी भी शांति के लिए नोबेल नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन गांधी एरा में हमेशा पूछा जाता है कि कितनी बार इनको नॉमिनेट किया गया है। अगर बात की जाए भारतीयों को कितनी बार मिला है तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिला है 1913 में, हरगोविंद खुराना साहब को मिला है 1968 में। ये आपका जाने माने भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना साहब, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सी वी रमन साहब को मिला था 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में, नेपाल साहब को मिला था 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को मिला था 2009 में, मदर टेरेसा को मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी साहब का नाम याद होगा 2014 में इनको ये अवार्ड मिला था, और कैलाश को बच्चों के लिए किए गए उनके काम को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया, पिचौरी साहब को दिया गया। इसके अलावा अमृत सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। अब बात कर लेते हैं इस साल किसको किसको ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के नोबेल के बारे में, तो फ्रांसिस अर्नोल्ड जो कि अमेरिका की हैं इनको, इसके अलावा जॉर्ज पी स्मिथ जो कि अमेरिका के हैं इनको, इनके अलावा सर जॉर्ज विंटर ग्रेट ब्रिटेन के हैं इनको। नए एंजाइम और एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए जो सिद्धांत था उसके लिए इनको अवार्ड ये दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के नोबेल के बारे में, तो 2018 के जो फिजिक्स के नोबेल हैं वो दिया गया है आर्थर अस्किन को जो कि अमेरिका से हैं, गेराडे मोरो को दिया गया है जो कि फ्रांस से हैं, डोना स्ट्रिकलैंड को दिया गया है जो कि कनाडा से हैं। तीनों को लेज़र फिजिक्स में खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। मेडिसिन के लिए नोबेल की बात की जाए तो जेम्स पी एलिसन अमेरिका के हैं और होंजो साहब जापान के हैं। दोनों ने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करने के लिए किया जाता है, कैसे प्रतिरक्षा की जाए इसके लिए अवार्ड इनको मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार की अगर बात की जाए तो डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद इनको युद्ध में यौन हिंसा को बतौर हथियार रोकने के लिए किए गए जो प्रयास थे उनके लिए अवार्ड दिया गया है। और जो लास्ट अवार्ड मिला है अमेरिका के नार्ड हॉस और रोमर को मिला है अर्थशास्त्र का 50वें नंबर का नोबेल पुरस्कार। 50 नंबर का जो नोबेल अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स का तो वो मिला है अमेरिका के नार्ड हॉस और रोमर को। तो एग्ज़ामिनेशन में नाम पूछे जाते हैं अक्सर ही, और अगर इसके नाम आप लोगों को याद हैं तो बेहतर होगा पहले आप इस चीज़ को लिख लें, खुद से लिखेंगे तो और बेहतर होगा, इसलिए क्योंकि खुद का लिखा हुआ हमेशा तैयार रहता है। तो आपको जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो, इसके अलावा आपको इनमें से जो नाम है किस जगह पे निवास करते हैं, मतलब किस जगह से हैं, जैसे अमेरिका के हैं तो अमेरिका के किस लिए दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें इम्पॉर्टेंट, वो आपको नोट डाउन करने हैं और ख़ुद से नोट करें तो बेहतर होगा, आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको याद रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो ज़्यादा तैयार होती हैं, और या तो आप सुनते हैं लगातार, अगर आप सुनते रहेंगे तब भी आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2018 मतलब आज से 27 अक्टूबर 2018 तक के लिए UPPCS प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। आप उस बैच में एडमिशन लेने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 इस नंबर पर डेमो लिख के भेज देंगे, आपको एक दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।